दोस्तों, क्या आपके स्टेट के पास समुद्र किनारा है और क्या आपने कभी समुद्र किनारा देखा है? दोस्तों, भारत के पास 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जो भारत को दुनिया का 18वां सबसे लंबी कोस्ट लाइन रखने वाला देश बनाती है। लेकिन भारत की 60% आबादी ऐसे राज्यों में रहती है जिनके पास समुद्र किनारा नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोस्टल स्टेट वर्सेस लैंडलॉक स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, वैसे हम नॉर्मली यही सोचते हैं कि कोस्टल स्टेट को समुद्र किनारा होने का सिर्फ फायदा ही होता होगा, लेकिन रियलिटी में कोस्टल स्टेट्स को फायदों के साथ साथ कई नुकसान भी होते हैं। चलिए देखते हैं। उससे पहले, अगर दोस्तों आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, फिलहाल भारत के 28 स्टेट्स में से 9 स्टेट्स के पास समुद्र किनारा है, यानी बाकी के 19 राज्य लैंडलॉक्ड है, यानी उनकी सीमा समुद्रों से नहीं लगती। उसी तरह फिलहाल की 8 यूनियन टेरिटरीज में से 4 यूनियन टेरिटरीज के पास कोस्ट लाइन है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल राज्य और दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास कोस्ट लाइन है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन एंड जीडीपी की। भारत के 9 कोस्टल स्टेट्स प्लस 4 यूनियन टेरिटरीज की टोटल पॉपुलेशन 57 करोड़ है, यानी भारत की टोटल पॉपुलेशन में से 40%, जिसका मतलब है कि बची हुई 60% पॉपुलेशन यानी करीबन 81 करोड़ लोग लैंडलॉक्ड स्टेट्स में रहते हैं। और अगर जीडीपी की बात करें तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स की टोटल जीडीपी $1,175 बिलियन है, जबकि कोस्टल स्टेट्स की टोटल जीडीपी $1,700 बिलियन है, जिससे लैंडलॉक्ड स्टेट्स भारत की टोटल जीडीपी में 40% का योगदान करते हैं, जबकि कोस्टल स्टेट्स जीडीपी में 60% का बड़ा योगदान करते हैं। यानी कोस्टल स्टेट्स के पास देश की सिर्फ 40% आबादी होने के बावजूद भी वो जीडीपी में 60% का योगदान करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन और जीडीपी सभी कोस्टल स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र कोस्टल स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन में 21% एंड टोटल जीडीपी में 24% का कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन और जीडीपी सभी लैंडलॉक्ड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन में 28% एंड टोटल जीडीपी में सिर्फ 18% का ही कंट्रीब्यूशन करता है। दोस्तों, यही पॉपुलेशन और जीडीपी का डिफरेंस लैंडलॉक्ड और कोस्टल स्टेट्स का मेजर डिफरेंस है। हालांकि ये डिफरेंस सभी स्टेट्स पर लागू नहीं होता, जैसे कि ओडिशा, जिसके पास कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी वो दूसरे कोस्टल राज्यों जितना डेवलप्ड नहीं है। उसी तरह तेलंगाना, हरियाणा और पंजाब, जिसके पास कोस्ट लाइन नहीं होने के बावजूद भी ये स्टेट्स डेवलपमेंट के मामले में कोस्टल स्टेट्स को टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, भारत के कुछ राज्य समुद्र किनारे से बहुत नज़दीक होने के बावजूद भी वो लैंडलॉक्ड है, जैसे कि त्रिपुरा, मिजोरम और तेलंगाना। त्रिपुरा से सबसे नज़दीकी समुद्र किनारा सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर ही है। उसी तरह मिजोरम से सबसे नज़दीकी कोस्ट लाइन सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, ये दोनों ही स्टेट्स समुद्र के इतने करीब होने के बावजूद भी लैंडलॉक्ड है। उसी तरह तेलंगाना से सबसे नज़दीकी कोस्ट लाइन सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद तेलंगाना सबसे रिचेस्ट और कैपिटल हैदराबाद को पाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन तेलंगाना ने इम्पोर्टेंट कोस्ट लाइन गंवा दी। पुराने आंध्र प्रदेश के समुद्र किनारे वाले सभी 9 डिस्ट्रिक्ट नए आंध्र प्रदेश में शामिल हुए, जिससे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना के मुकाबले एक बड़ा एडवांटेज कोस्ट लाइन के रूप में मिला। दोस्तों, मोस्ट ऑफ लैंडलॉक्ड स्टेट्स पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर रखते हैं, सिवाय हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के। ये स्टेट्स लैंडलॉक्ड होने के साथ साथ इनकी कोई सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेट्स प्रीटी मच चारों तरफ से सिर्फ भारत से ही घिरे हुए हैं। दोस्तों, कोस्टल स्टेट्स में गुजरात के पास सबसे लंबा दरिया किनारा है। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के कारण गुजरात की कोस्ट लाइन अरेबियन सी में 1600 किलोमीटर लंबी है। इसी 1600 किलोमीटर लंबे किनारे पर गुजरात के छोटे बड़े करीबन
41 सी पोर्ट्स है जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। गुजरात में दीव का नगोवा बीच, द्वारका बीच, मांडवी बीच और पोरबंदर बीच सबसे अमेजिंग बीचेस है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश के पास दूसरा सबसे लंबा समुद्र किनारा है। आंध्र प्रदेश का किनारा बंगाल की खाड़ी में करीबन 974 किलोमीटर लंबा है। आंध्र प्रदेश के कोस्ट में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के साथ साथ वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज भी है। तीसरा सबसे लंबा कोस्ट तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु की कोस्ट लाइन बे ऑफ बंगाल में 940 किलोमीटर लंबी है जिसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। यहाँ भारत के कुछ इम्पोर्टेंट तूतीकोरिन और चेन्नई पोर्ट्स है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा अर्बन बीच मरीना बीच भी इसी तमिलनाडु कोस्ट पर ही है। दोस्तों इनके अलावा 720 किलोमीटर लंबा महाराष्ट्र का कोंकण कोस्ट बहुत से ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ वाले बीचेस है। केरला का 580 किलोमीटर लंबा मालाबार कोस्ट भारत के कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। ओडिशा के 485 किलोमीटर लंबे उत्कल कोस्ट में भी बहुत से नदियों के डेल्टास है। उत्कल कोस्ट अपने चंदीपुर और गहीरमाथा जैसे यूनिक स्पेशलिटी वाले बीचेस, सॉल्ट वाटर लेक, चिलिका के लिए प्रख्यात है। इनके अलावा कर्नाटका के पास 320 किलोमीटर, गोवा के पास 160 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल के पास 157 किलोमीटर लंबा समुद्र किनारा है। दोस्तों क्या है कोस्टल और लैंडलॉक स्टेट्स के अपने फायदे और नुकसान देखते हैं। दोस्तों एक प्रख्यात लाइन है, इफ यू आर कोस्टल यू सर्व द वर्ल्ड, इफ यू आर लैंडलॉक्ड यू सर्व योर नेबर्स। इसका मतलब अगर आप लैंडलॉक्ड है तो आपको अपने पड़ोसियों जिनके पास कोस्ट लाइन है उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि मरीन ट्रेड लैंड ट्रेड के मुकाबले सस्ता, अच्छा और सेफ है। इसीलिए दुनिया का ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट समुद्रों द्वारा ही होता है। इसके सबसे बेस्ट उदाहरण के रूप में हमारे ही पड़ोसी नेपाल को ले लीजिए। नेपाल एशिया का छोटा डेवलपिंग और लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड होने के कारण नेपाल अपने पूरे फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह भारत पर डिपेंडेंट है। नेपाल अपना पूरा फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत के कोलकाता पोर्ट से करता है। यानी नेपाल को भारत के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे, नहीं तो उसका पूरा फॉरेन ट्रेड प्रभावित हो सकता है। अब यही नियम भारत के राज्यों पर भी लागू होता है। सभी लैंडलॉक्ड स्टेट्स अपने फॉरेन ट्रेड के लिए पूरी तरह कोस्टल स्टेट्स पर डिपेंडेंट है। फिलहाल की ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70% एक्सपोर्ट में सिर्फ 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना का प्रभुत्व है। इन 5 में से 4 कोस्टल स्टेट्स ही है। लैंडलॉक्ड स्टेट्स को फॉरेन ट्रेड करने के लिए ज़्यादा टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम लगता है कंपेयर टू कोस्टल स्टेट्स। कोस्टल स्टेट्स को सी लाइफ फीचर का भी फायदा होता है। समुद्र के कारण बहुत सी मछलियाँ और सी फूड प्राप्त करके उनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। भारत की फिश इंडस्ट्री भी बहुत से रोजगार के ऑफर प्रदान करती है। भारत की करीबन 1.5 करोड़ की आबादी फिशिंग कर अपनी रोजगारी करती है। फिश एक्सपोर्ट भारत की टोटल जीडीपी में 1.07% का हिस्सा रखता है। इसके अलावा कोस्टल स्टेट समुद्रों में हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल कर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, जो कोस्टल इलाकों के लोगों की पावर की जरूरत पूरा कर सकता है। कोस्टल स्टेट्स को टेम्परेचर डिफरेंस का कम सामना करना पड़ता है। लार्ज वाटर बॉडीज टेम्परेचर को मेंटेन करती है, इसीलिए कोस्टल स्टेट में गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता लैंडलॉक्ड स्टेट्स की तुलना में। अब ये सभी फायदे लैंडलॉक्ड स्टेट्स को तो नहीं मिल पाते, लेकिन कोस्टल स्टेट्स के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी है जो प्रैक्टिकली लैंडलॉक्ड स्टेट्स के एडवांटेजेस बन जाते हैं। इनमें कोस्टल स्टेट्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल अटैक्स। भारत का वेस्टर्न कोस्ट सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल अटैक्स के रिस्क में है, जिनमें सबसे बड़ा 26/11 का मुंबई में हुआ टेररिस्ट अटैक जो समुद्री रूट से ही हुआ था। इसके अलावा समुद्र किनारे का कई सारी स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ का भी डर रहता है। कोस्टल स्टेट्स को साइक्लोन, सुनामी और सी लेवल राइज का भी सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा कोस्टल स्टेट्स को मरीन पोल्यूशन, समुद्र में ऑयल स्पिलेज और कई छोटे बड़े डिजास्टर का भी सामना करना पड़ता है, जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स को नहीं करना पड़ता। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए आपको कौन से स्टेट्स अच्छे लगे, कोस्टल या लैंडलॉक्ड, और क्यों। यहाँ क्लिक कर हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।